हेलो फ्रेंड नीटिंग डिज़ाइन में देखिए प्यारा सा टू कलर की डिज़ाइन जो आप किसी भी स्वेटर में जैकेट पे कार्डिगन में कहीं भी से यूज़ कर सकती हैं और इसी दो कलर की डिज़ाइन में ये देखिए मैंने बर्ड की डिज़ाइन भी नीचे बॉर्डर की तरह बनाई है आप चाहिए तो इस बॉर्डर को बना सकते हैं या बिना बॉर्डर के भी इस डिज़ाइन को बना सकती हैं दो कलर की डिज़ाइन तो इस बर्ड डिज़ाइन का मैं लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ये देखिए ऊपर ये हमारी टू कलर की डिज़ाइन इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ट्वेल्व ट्वेल्व के मल्टीपल बारह बारह के मल्टीपल फंदे चाहिए तो ये डिज़ाइन हमारी बिल्कुल सेट होगी तो ये एक और एक दो डिज़ाइन बनी है और यही डिज़ाइन इन दोनों के ये ऊपर बनी है तो आइए देखते हैं कि इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्वेल्व के मल्टीपल थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स पंदे लिए हैं इसमें मैं ये डिज़ाइन बना के दिखाऊँगी इसमें एक साथ हमारी तीन डिज़ाइन बनेगी तो इस डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो में हम सबसे पहले एक हमारा ऑरेंज कलर आएगा और एक दो फंदे ब्लू एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात सात फंदे ऑरेंज, एक दो फंदे ब्लू के अब देखिए इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करना है ये देखिए इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया तो ये इस तरह से डिज़ाइन बनी है शुरू में हमारा एक ऑरेंज, दो ब्लू थे यहाँ पे सात फंदे ऑरेंज, फिर दो ब्लू एक ऑरेंज, दो ब्लू फिर सात फंदे ऑरेंज दो ब्लू एक ऑरेंज, दो ब्लू, फिर सात फंदे हमारे ऑरेंज और लास्ट का हमारा दो तो फंदे ब्लू के हैं ये देखिए रो नंबर टू है इसमें एक दो फंदे ब्लू के अब यहाँ से देखिए ये एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक हमारा ब्लू और एक हमारा ऑरेंज तो एक ऑरेंज एक ब्लू किया तो बीच में ऑरेंज के एक दो तीन चार फंदे आए हैं अब यहाँ पे हमारा ब्लू कलर आएगा एक दो तीन चार पांच फंदे ब्लू के और फिर हम यहाँ एक ऑरेंज से शुरू करेंगे और पांच ब्लू तक ये हमारे सात फंदे हैं तो इसमें हम एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू करेंगे और इसके बाद बीच में हमारे फिर इस तरह से यहाँ पे पांच फंदे ब्लू के आएंगे ये देखिए स्टार्टिंग में दो फंदे ब्लू के थे तो लास्ट में भी हमारे दो तीन फंदे ब्लू के आए हैं तो इस तरह से ये रो नंबर टू बन करके तैयार हो गई है ये देखिए अब रो नंबर थ्री में हमें सेम कलर ब्लू के ऊपर ब्लू और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज कलर से ही बनाना है ये देखिए रो नंबर फोर इसमें एक हमारा ब्लू कलर और इसके बाद ऑरेंज कलर आ जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे ये ऑरेंज के एक दो तीन फंदे ब्लू के अब यहाँ से हम एक हमारा छोड़ करके ये नौ फंदे ऑरेंज और तीन ब्लू नौ ऑरेंज और तीन ब्लू इस तरह से हम पूरी रो को बनाएंगे ये देखिए रो फोर तक हमारी इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई है अब हम रो नंबर फाइव इसमें हम ब्लू के ऊपर ब्लू से ही करेंगे ये एक दो फंदे ब्लू अब यहाँ देखिए कैसे करना है तो यहाँ हम एक फंदे ऑरेंज और एक ब्लू फिर एक ऑरेंज एक हमारा ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक हमारा ऑरेंज तो एक ऑरेंज, एक ब्लू किया तो ऑरेंज के एक दो तो, तीन चार पांच बार हमारे ऑरेंज के पंदे आए हैं अब यहाँ पे हम फिर ब्लू के ऊपर ब्लू से ही बनाएंगे एक दो तो, तीन और फिर इस नौ फंदों में ऐसे ही हम बनाएंगे एक ऑरेंज एक ब्लू और एक ऑरेंज एक ब्लू फिर यहाँ जब हमारा ब्लू आएगा तो हम ब्लू के ऊपर ब्लू से ही बनाएंगे तो इस एक ऑरेंज से लेकर तीन ब्लू तक हमें पूरी रो में रिपीट करना है ये देखें रो नंबर सिक्स इसमें शुरू में एक दो फंदे ऑरेंज ब्लू के ऊपर एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक दो फंदे ऑरेंज और एक हमारा ये ब्लू तब देखिए इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करना है दो ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू दो ऑरेंज और लास्ट में हमारा एक ब्लू तो ये बारह फंदे हो गए और इसे ही हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है ये देखिए हमारी रो सिक्स बन करके तैयार हो गई कितनी खूबसूरत रो नंबर सेवन हमें सेम कलर ब्लू के ऊपर ब्लू और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज कलर से ही बनाना है ये देखिए रो नंबर एट इसमें हम एक दो तीन फंदे ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज एक दो तीन चार पाँच एक सात तो ये देखिए अब हम यहाँ एक ऑरेंज से रिपीट करेंगे एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज और सात फंदे हमारे ब्लू के ये देखिए फिर से हम दिखाते हैं, एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज अब यहाँ पे हमारे सात फंदे ब्लू के एक दो तीन चार पाँच सात। ये देखिए तो बीच में हम ऑरेंज के एक दो तीन फंदे आ रहे हैं फिर सात ब्लू फिर ऑरेंज के एक दो तीन फिर सात ब्लू इस तरह से ये हमारी पूरी रो बनेगी ये देखिए रो नंबर एट तक मेरी डिजाइन बनी है और ये देखिए बीच में ध्यान देना है ये ब्लू के ऊपर ब्लू की धारियां जा रही हैं और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज कलर की धारियां जा ये देखिए रो नंबर नाइन में एक ऑरेंज, दो ब्लू दो ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू दो ऑरेंज और दो ब्लू अब इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करना है तो यहाँ देखिए फिर हमारा एक ऑरेंज, दो ब्लू दो ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू दो ऑरेंज और दो ब्लू और फिर यहाँ से हमारी ये डिज़ाइन रिपीट हुई है ये देखिए रो नंबर टेन जिसमें एक दो फंदे ब्लू एक दो ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू एक दो फंदे ऑरेंज और एक दो तीन चार पांच फंदे ब्लू के तो हम ये दो ब्लू को छोड़ के दो ऑरेंज से रिपीट होगा दो ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू दो ऑरेंज और पांच बंदे ब्लू के तो दो ऑरेंज से पांच ब्लू तक हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है ये देखिए रो नंबर इलेवन इसमें एक दो तीन चार पाँच छः फंदे ये ब्लू के ये बीच वाली जो धारी जा रही है वो एक हमारा ऑरेंज रहेगा और अब यहाँ से हमारे ग्यारह फंदे ब्लू के हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ग्यारह तो शुरू में हमारे छः फंदे ब्लू के हैं और उसके बाद एक ऑरेंज और ग्यारह ब्लू फिर ये बीच वाला एक हमारा ऑरेंज हो जाएगा और ग्यारह फंदे ब्लू के तो इस तरह से हमारी ये पूरी रो बनेगी ये देखिए रो नंबर ट्वेल्व अब यहाँ से हमारी दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट होगी जो रो नंबर वन की तरह ही बनेगी लेकिन शुरू में हमारे बंदे प्लेन रहेंगे ये एक दो तीन चार पांच फंदे ब्लू से के ये हमारे जो प्लेन रहेंगे और अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी तो एक हमारा ये ऑरेंज एक दो फंदे ब्लू के एक दो तीन चार पाँच छ सात फंदे ऑरेंज एक दो हम ब्लू से करेंगे और इसके बाद फिर एक ऑरेंज, दो ब्लू सात ऑरेंज दो ब्लू इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करना है ये देखिए रो नंबर इलेवन हमने जहाँ से ये देखिए ये नीचे डिज़ाइन जो रो नंबर स्टार्ट हुई थी वन वही रो हमारी यहाँ पे अब आ गई है ये देखिए यहाँ अब इन दो डिज़ाइनों के बीच में यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनेगी तो रो नंबर हम थर्टीन जब बनाएंगे तो शुरू के ये प्लेन फंदे रहेंगे ये ब्लू कलर से ये दो तीन चार पाँच छः फंदे तो ये हैं और ये फंदे भी हमारे ब्लू हो जाएंगे एक दो तीन और ब्लू हो जाएंगे और इन सात फंदों के ऊपर फिर हम रो नंबर टू की तरह बनाएंगे एक ब्लू सॉरी एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक हमारा ऑरेंज तो ऑरेंज के देखिए एक दो तीन चार बार ऑरेंज के फंदे आए हैं अब यहाँ पे हमारा पांच फंदे ब्लू के एक दो तीन चार पांच ब्लू और अब फिर हम ये इस एक ऑरेंज से लेकर ये पांच ब्लू तक पूरी रो में रिपीट करेंगे ये देखिए अभी जब इन्हीं फंदों को हम जब बार बार रिपीट करेंगे तो जब हम डिज़ाइन के लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे हमारे आठ फंदे प्लेन हमारे ब्लू के रहेंगे स्टार्टिंग में देखिए इधर ब्लू था और यहाँ भी हमारा प्लेन ब्लू है ये देखिए रो नंबर फोर्टीन में ब्लू के ऊपर ब्लू और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज कलर से ही बनाना है देखिए अब हम रो नंबर फिफ्टीन पे हैं ये दो चार छः आठ फंदे हमारे ब्लू के हो गए हैं और अब यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे ऑरेंज के और अब हमारा ब्लू कलर एक दो तीन फंदे ब्लू के और इस प्लेन के बाद अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन रिपीट होगी नौ फंदे ऑरेंज और तीन ब्लू अब इसके ऊपर हमारे नौ ऑरेंज और ब्लू के ऊपर ब्लू जब लास्ट में आएंगे तो ये हमारे प्लेन ब्लू कलर हो जाएंगे ये देखिए रो नंबर सिक्सटीन जिसमें मैंने ब्लू के ऊपर सारे ब्लू कर लिए हैं अब जो ये नौ फंदे ऑरेंज के हैं इनके ऊपर ही अब डिज़ाइन बनेगी तो ये एक ऑरेंज एक ब्लू एक औरज एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू और एक हमारा ऑरेंज तो एक ऑरेंज, एक ब्लू किया तो ऑरेंज के एक दो तो, तीन चार पाँच बार ऑरेंज आएंगे और जो ब्लू फंदे तीन हैं उन्हें हम ब्लू को ब्लू से ही बनाएंगे और फिर इस नौ फंदे जो ऑरेंज है इनके ऊपर हम इसी तरह से ये डिज़ाइन बनाएंगे तो एक ऑरेंज से लेकर यहाँ तीन ब्लू तक अब ये हमारी पूरी रो में रिपीट होगा ये देखिए रो नंबर सेवनटीन जिसमें शुरू की ये एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात ये सात फंदे मैंने ब्लू से कर लिए हैं और अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है तो एक दो हमारे ऑरेंज अब यहाँ ब्लू के ऊपर एक ब्लू ऑरेंज एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक हमारा ब्लू और अब एक दो फंदे ऑरेंज, और एक हम ब्लू से करेंगे तो ये देखिए अब इसके आगे हम दो ऑरेंज से लेकर इस एक ब्लू तक हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे ये देखिए हम रो नंबर एटीन पे आ गए हैं इसमें हमें ब्लू के ऊपर ब्लू और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाना है ये देखिए रो नंबर नाइनटीन इसमें शुरू में ब्लू कलर से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस शुरू के हमारे दस फंदे ब्लू से रहेंगे और इसके बाद ये ऑरेंज के ऊपर हम एक ऑरेंज बनाएंगे एक ऑरेंज एक, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक हमारा ब्लू एक ऑरेंज और अब हमारा यहाँ ब्लू कलर ये एक दो तीन चार पाँच सात। तो शुरू में हमारे दस फंदे ब्लू हैं और यहाँ से एक ऑरेंज से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी तो एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज और सात फंदे ब्लू के अब इसे ही हमें पूरी रो में एक ऑरेंज से सात ब्लू तक रिपीट करना है ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी वन इसमें एक दो तो, तीन चार पाँच शुरू के पांच फंदे हमारे ब्लू से हैं और यहाँ पे अब हमारा एक ऑरेंज आएगा एक दो फंदे ब्लू एक दो ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक हमारा ब्लू एक दो फंदे ऑरेंज, एक दो फंदे ब्लू के तो स्टार्टिंग में पांच ब्लू के बाद अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन रिपीट होगी एक ऑरेंज, दो ब्लू, दो ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू दो ऑरेंज और दो ब्लू तो एक ऑरेंज से दो ब्लू तक हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी वन जिसमें ये एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ इन नौ से शुरू के मैम आए ब्लू के रहेंगे और अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी तो एक दो ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक दो फंदे ऑरेंज के अब हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार और एक पाँच तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन बनी तो यहाँ दो ऑरेंज से हम रिपीट करना शुरू करेंगे दो ऑरेंज से पाँच ब्लू तक इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करना है ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी टू जिसमें ग्यारह फंदे हमारे ब्लू के हैं और एक हम ऑरेंज से करेंगे अब इन्हीं फंदों को पूरी रो में रिपीट करना है ग्यारह फंदे हमारे ब्लू के ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ग्यारह फिर एक हमारा ब्लू फिर हमारे ग्यारह फंदे ब्लू और एक ऑरेंज इस तरह से ये पूरी रो बनेगी ये देखिए ट्वेंटी टू रो में मेरी ये डिज़ाइन बन गई ये बीच में एक ये डिज़ाइन ये और इन दो डिज़ाइनों के बीच में ये इसे भी मैंने बता दिया एक साथ दो डिज़ाइनों को और इसके बाद फिर हमारे रो नंबर वन से लेकर रो नंबर ट्वेंटी टू तक हम बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से बनेगी ये देखिए इसे ही मैंने बार बार रिपीट किया है तो ये डिज़ाइन बनी है आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ इस डिज़ाइन को बनाइए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन तो आइए अब हम इस डिज़ाइन का ग्राफ देखते हैं ये देखिए डिज़ाइन का ग्राफ है इस ग्राफ की हेल्प से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए डिज़ाइन आपको कैसी लगी थैंक यू